नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के सियासत को लेकर। जिस तरीके से मायावती ने अब एक बार फिर से कहीं ना कहीं कमबैक करने का डिसीजन लिया है, लगातार आरक्षण के मुद्दों पर, भारत बंद के मुद्दों को लेकर अब कहीं ना कहीं मायावती सड़कों पर उतरने वाली है। जी हाँ, आपको बताएं 35 साल बाद मायावती ने एक बार फिर से वही कमान थामने की तैयारी कर ली है। क्या इस बार मायावती अपना पाला बदल पाएंगी, जो बीएसपी का खोया हुआ जनाधार है उसको वापस ला पाएंगी? क्योंकि तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बार के उपचुनाव में मायावती पहली बार मैदान में उतरी है। ऐसे में 6 प्रत्याशियों को उन्होंने सीट भी दे दी है, तो ऐसे में अब क्या मायावती अपनी राह आसान कर पाएंगी भारत बंद के जरिए, या फिर आरक्षण के मुद्दों को उठाकर, छुआछूत, जातीय जनगणना के मुद्दों को उठाकर, या फिर वो जो बार बार कहती है कि इस बार उनकी जीत दर्ज हुई तो वो यूपी को अलग अलग राज्यों में विभाजित कर देंगी। ये तमाम मुद्दे हैं। चंद्रशेखर आजाद, रावण भी मैदान में है इन्हीं मुद्दों को लेकर। आखिरकार जीत किसकी होगी, क्या इनकी जीत होगी या फिर दोनों साथ में गठबंधन करेंगे? वहीं जो छोटे छोटे दल हैं, क्या उनको भी मायावती साधने का प्रयास कर सकती है, जिसमें पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे तमाम नाम है, बृजभूषण शरण सिंह, अगर मायावती इन चेहरों को साथ देती है तो क्या उनका समीकरण बदल जाएगा, या फिर मायावती लोकसभा चुनाव की तरह ही अकेले ही मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष मौजूद है। मनीष, क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने भारत बंद को समर्थन दिया है, उसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या दलित वोट बैंक को साधने का प्रयास है, या फिर मायावती जिस तरीके से छोटे छोटे मुद्दों को लेकर ट्वीट करती रहती है, वाकई में उनके समाज के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको निभाते हुए नजर आ रही है? क्या कुछ लगता है? देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर शुरुआती दौर से देखा गया है, मायावती जब राजनीतिक मैदान में उतरती हैं, कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, तो तमाम चुनावों में यहाँ पर मायावती दलितों और मुस्लिमों का मुद्दा लेकर आगे बढ़ती हैं और कहीं ना कहीं उन पर जीत हासिल करने में भी कामयाब रही हैं पहले। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में वो खासा कमाल नहीं कर पाई और ऐसे में उनकी पार्टी को एक भी सीट यहाँ से नहीं मिल पाई। तब उसी स्थिति को देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती पहली बार चुनावी रण में, उपचुनाव के रण में उतरती हुई नजर आ रही हैं और अब भारत बंद का जिस तरह से समर्थन कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति साफ दिखाता है कि मायावती अभी भी यहाँ पर दलितों की और मुस्लिमों की राजनीति करने के लिए उतारू हैं। और ऐसे में देखा जा रहा है जिस तरह से चंद्रशेखर रावण भी इसी आधार पर चुनाव लड़ने की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं, इसी तरह से रणनीतियां बनाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो दलितों और मुस्लिमों को साधने का प्रयास करें, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से यहाँ पर दलितों और मुस्लिमों का वोट बैंक जो है वो काफी ज्यादा है और इस चीज को देखते हुए कहीं ना कहीं मायावती और चंद्रशेखर आजाद मैदान में है। और अब देखना बाकी दिलचस्प होगा वहीं की कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत का परचम लहराने में कामयाब होती है, क्योंकि देखा गया नगीना लोकसभा सीट से पहली बार चंद्रशेखर आजाद मैदान में उतरे और पहली बार में ही प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करते हुए नजर आए और उनको दलितों का, मुस्लिमों का बड़ा नेता भी माना जाता है जब से वो राजनीतिक मैदान में उतरे हैं। केवल तब से ही नहीं, उससे पहले से भी कहीं ना कहीं दलितों और यहाँ पर गरीबों, पिछड़ों के लिए यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करते हुए नजर आए हैं, उनके हित में यहाँ पर कई चीजों के लिए लड़ते हुए नजर आए हैं। और अब देखना वाकई दिलचस्प होगा कि दोनों ही पार्टियां ऐसी हैं जो दलितों और वंचितों, गरीबों को लेकर चुनाव लड़ती हुई नजर आती हैं और अभी भी चुनाव उसी आधार पर लड़ रही हैं, तो कौन सी पार्टी जीत का परचम लहराने में कामयाब होती है? क्या मायावती एक बार फिर से वापसी करेंगी या चंद्रशेखर आजाद अपनी लोकसभा चुनाव की तरह जीत को दोहराते हुए नजर आएंगे? जी बिल्कुल, ऐसे में कौन इस बार लोकसभा जीत को दोहरा सकता है? हालांकि मायावती ने बीते लोकसभा चुनाव में एक भी सीटें नहीं जीती, वही चंद्रशेखर आजाद मायावती की ही सीट पर, नगीना सीट पर उतरते हैं और 1,52,000 वोटों से जीत दर्ज कर लेते हैं। लेकिन वही मायावती जिसने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत नगीना सीट से की थी और भारी बहुमत के साथ जीती थी, इस बार उनको मात्र 12,212 वोट मिलते हैं। तो ऐसे में मायावती की जो स्थिति है वाकई में वो कहीं ना कहीं संकट में पड़ने वाली, डालने वाली स्थिति है। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर मनीष देखा जाए, अखिलेश यादव है, राहुल गांधी या पूरा इंडिया गठबंधन की अगर बात कर लिया जाए, वो लोग भी आरक्षण के मुद्दों पर कहीं ना कहीं घेरने का प्रयास करते हैं। अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य भी योगी आदित्यनाथ के ऊपर आरक्षण, जातीय जनगणना और पदों में नियुक्तियों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में क्या समीकरण बन रहे हैं? केवल भारत में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की राजनीति करती है, लेकिन यही की तमाम पार्टियां हैं और अपने ही पार्टी के नेता दल जो है वो अलग अलग वर्गों को बांटने का प्रयास कर
कर रहे हैं ओबीसी एससी एसटी, ये किस तरीके की राजनीति है और इसका कितना नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होगा अगर वो केवल हिंदुत्व के मुद्दे पर टिकी रहती है, और इसका कितना फायदा मायावती हो या फिर आजाद हो या फिर अखिलेश यादव की पार्टी हो, किसको कितना फायदा मिलने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए माही यहाँ पर लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि राम मंदिर को किस तरह से मुद्दा बनाकर लड़ा गया, और उसके बाद यहाँ पर अयोध्या की फैजाबाद सीट से भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता है, वहाँ से उनके जो उम्मीदवार हैं जो प्रत्याशी हैं वो हार जाते हैं और बहुत बड़ी हार होती है, और उसके बाद अवधेश प्रसाद सपा के वहाँ से सांसद बनते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति साफ है, जिस तरह से अखिलेश यादव हों, मायावती हों, चंद्रशेखर आजाद हों, इस तरह से दलितों मुस्लिमों के लिए राजनीति करते हुए नजर आते हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पाला जो है उन तीनों ही पार्टियों के आगे यहाँ पर फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर एनडीए के समर्थित दल ही उनकी मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, आरक्षण का मुद्दा हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल यहाँ पर घेरती हुई नजर आती है, संजय निषाद घेरते हुए नजर आते हैं, जयंत चौधरी भी पीछे नहीं रहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सीएम योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेते हुए नजर आते हैं। तो स्थिति साफ है, अगर एनडीए के गठबंधन के दल ही यहाँ पर सहमति बना के नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में एनडीए की स्थिति लोकसभा चुनाव के बाद इस तरह से खराब होती हुई नजर आई तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में भी वो माहौल देखने को मिल सकता है, और साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। जी बिल्कुल, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन वहीं अगर दलित वोट बैंक की बात करें तो आजाद ने कहीं ना कहीं दलितों को साध लिया है, मुसलमानों को भी साधने का वो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं, ऐसे में ओबीसी का अगर मुद्दा उठता है और एससी एसटी का मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है उसका फायदा उठाने की वो कोशिश करेंगे ही। ऐसे में मायावती ने भी इस बार उपचुनाव में जो 6 प्रत्याशी अपने मैदान में उतारे हैं वो भी बहुत चुन चुन कर उतारे हैं, वहां के समीकरण, वहां के सीटों के समीकरण और वहां की क्षेत्र के समीकरण के हिसाब से उन्होंने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। आपको क्या लगता है कि मनीष, अगर मायावती इस बार एक दो सीटें निकाल लेती है या फिर आजाद एक दो सीटें निकाल लेते हैं तो क्या इन दोनों पार्टियों का गठबंधन होना भविष्य में तय माना जा सकता है? क्या विधानसभा चुनाव से पहले मायावती आजाद को साधने का प्रयास कर सकती है? क्योंकि मुद्दा एक, एजेंडा एक, लोग वही और उसी तरीके की राजनीति करनी है और आगे भी बढ़ना है, काशीराम जी की विरासत को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना है, तो लोग अलग अलग चुनावी मैदान में क्यों उतरे हैं, आखिर का रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि आजाद मायावती के साथ पहले भी एक कार्यकर्ता के तौर पर उनकी पार्टी से रह चुके हैं, काम कर चुके हैं, तो क्या लगता है? बिल्कुल माही, यहाँ पर जिस तरह से देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों की विचारधारा एक ही है, यहाँ पर दलितों की मुस्लिमों की राजनीति दोनों ही पार्टियां करती हैं, और जिस तरह के मुद्दे हैं, जिस तरह के यहाँ पे चुनावी इनके जुमले हैं वो कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, तो बेशक यहाँ पर ये हो सकता है कि दोनों ही पार्टी अगर यहाँ से एक एक दो दो सीटें निकालने में उपचुनाव में कामयाब रहती हैं तो आगे मायावती आजाद का गठबंधन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आजाद की पार्टी अब उस लेवल की पार्टी नहीं है, बेशक वो लोकसभा चुनाव में नगीना से बड़ी जीत हासिल करते हुए नजर आए हों, एक बड़ा नाम बन गए हों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका भले ही मचा दिया हो, लेकिन माही यहाँ पर देखा जाए तो आने वाला जो चुनाव है, आने वाला जो समय है वो इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है आजाद के लिए, तो बेशक यहाँ पर मायावती के साथ अगर गठबंधन कर उतरते हैं तो दोनों ही पार्टियों का यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा, मायावती भी कहीं ना कहीं अपनी उस हार को, लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उसको भुना पाएंगी, उससे उभर पाएंगी, तो कहीं ना कहीं पार्टी दोनों ही ऐसी हैं जिनको यहाँ पर एक दूसरे का साथ चाहिए और एक दूसरे के साथ आती हैं, तो यहाँ पर अखिलेश यादव की चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, उसको देने टक्कर देने में यहाँ पर पूरा दमखम रखती हुई नजर, और यहाँ पर बड़ी शिकस्त यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को दोनों ही पार्टियां मिलकर देती भी नजर आएंगी। जी बिल्कुल, ऐसे में दोनों पार्टियां कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है, अखिलेश यादव को शिकस्त दे सकती है, ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों का साथ आना बेहद जरूरी है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार क्या समीकरण बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मायावती का कमबैक एक बार फिर से होगा, क्या 4 बार की मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार है, या फिर चंद्रशेखर आजाद इस बार उसके लिए प्रबल दावेदार के तौर पर सामने आएंगे। फिलहाल अभी समीकरण तो यही बन रहे हैं, आपको क्या कुछ कहना है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।